वेरी यमी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़े का रमज़ान स्पेशल वाटरमेलन फ्रेश जूस। फ्रेंड्स, ये सिर्फ सिंपल तरबूज का जूस नहीं है, बल्कि इस जूस में मैंने ट्विस्ट ऐड किया है। समर का सीज़न है और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपकी स्किन को भी तरोताज़ा कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वाटरमेलन फ्रेश जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वाटरमेलन फ्रेश जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। तरबूज का शरबत, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हाफ जग तरबूज लिए हैं, तो वो कट कर लिए हैं। इस तरह किसी भी तरह कट कर लीजिए, इन्हें तो हमने जूस ही बनाना है। और एक लेमन लिया है, तो चलिए ब्लेंडर जार के अंदर हम तरबूज को ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हाफ जग के बराबर मैंने तरबूज लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको वाटरमेलन के तो बेनिफिट्स मालूम ही है कि कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं वाटरमेलन के, यानी कि तरबूज के। तो बंदा गर्मी में से बाहर से आए और उसको ठंडा ठंडा वाटरमेलन मिल जाए, या तो वो खा ले या तो वो पी ले, तो एक ही बात है, सेम प्रोसेस है। तो दोनों ही तरह वाटरमेलन बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे ही कट करके खाएं तब भी बहुत टेस्टी लगता है, और उसे जूस बनाकर पिएं तो उसकी तो बात ही और है। लेकिन यहाँ हम जूस बना रहे हैं फ्रेश जूस रमज़ान की वजह से, ताकि अफ्तार में हम ठंडा ठंडा ये फ्रेश जूस पिएं तो सारे दिन की हमारी थकन ख़त्म हो जाए और हम एकदम फ्रेश हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ जग तरबूज ले लिए हैं, यहाँ पर एक लेमन लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है। तो बस इसका जूस भी ऐड कर देते हैं तरबूज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही है लीमू में कितने ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन सी वाफर मिकदार में होता है लेमन के अंदर, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और लेमन में 92% वाटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में पानी की कमी को दूर करती हैं। और इसके साथ साथ लीमू में बहुत से विटामिन्स होते हैं, और ये हमारी खून की कमी को भी दूर करता है। तो मैं ये पूरा लेमन ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, लेमन ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर को मैंने पीस लिया था पहले से ही, तो ब्लैक पेपर की भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। और 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ले लेंगे, काला नमक। काले नमक के भी बेनिफिट्स आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो ये ऐड कर देंगे। और 2/3 पिंच व्हाइट सॉल्ट ऐड करेंगे, जो हमारा रेगुलर नमक होता है। और 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम शुगर ले लेंगे, रेगुलर शुगर। आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वाटरमेलन ज़्यादा मीठा है तो आप शुगर कम ऐड कर लीजिए, और अगर वाटरमेलन कम मीठा है तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और फ्रेंड्स, लास्ट में ऐड करेंगे हमारे वाटरमेलन जूस का ट्विस्ट, मिंट लीव्स। तो ये हम थोड़े से ऐड करेंगे एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको पसंद हो इसका फ्लेवर। बहुत ही फ्रेश कर देगा इस जूस को और भी ज़्यादा, और वैसे भी मिंट लीव्स के बहुत से फ़ायदे हैं, तो ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ऐड करना हो आप उतना ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पानी ऐड कर दिए, अब ब्लेंडर के जार को कवर करेंगे और वाटरमेलन फ्रेश जूस को ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्राइंड कर लेते हैं। बस हमें अच्छी तरह ग्राइंड करना है।